हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। आज क्या हो रहा है भाई? बिल्कुल मौसम के मुताबिक हो रहा है और आपकी फरमाइश पर हो रहा है। तो आज मैं आप सभी लोगों को सिखा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल चाइनीज़ चिकन कॉर्न सूप। इसकी इतनी फरमाइश होती है और ये नॉन बोरिंग सूप है और एवर डिमांडिंग, हमेशा इसकी डिमांड रहती है। कितने भी सूप आप सिखा दें लेकिन चिकन कॉर्न सूप ऐसा है कि जिसकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होगी। ये मैं आपको अभी बता दूं क्योंकि ये सूप वाकई बहुत डिलीशियस होता है और हर ज़माने में लोगों को बेइंतहा पसंद आता है। शायद ही कोई होगा जो इस सूप को पीने से इनकार करे। अच्छा जी, ये सीखेंगे और इसके अलावा आप सभी लोग सीख रहे हैं चिकन एंड वेजिटेबल चाउमीन। तो इसकी फरमाइश थी आप सभी लोगों की, तो ये सारी दोनों चीज़ें बनेंगी आपके मेरे इस प्रोग्राम में। और आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे जो भी सवाल करना चाहें, जो भी बात करना चाहें कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आज का सवाल आपसे पूछ रही थी, हमारे प्रोग्राम की ये रिवायत है कि सवाल पूछा जाता है। तो आज का सवाल है कि कोई से तीन सूप के नाम बताएं, बहुत ही आसान। एक साल का बच्चा नहीं, जो बच्चा बोलना सीख चुका हो वो भी इसका जवाब दे सकता है। तो आप सभी लोग इसका जवाब देंगे मुझे और इससे क्या होगा भी, लोगों की नॉलेज बढ़ती है और सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छा लगता है कि आपसे कोई क्वेश्चन किया गया तो आप उसका जवाब दे पाएँ। तो चलिए सबसे पहले काम करेंगे, क्योंकि ये रेस्टोरेंट स्टाइल है और आप लोगों को याद होगा कि इसकी यखनी के बारे में मैं आप सभी लोगों को पहले जब मैंने सूप बनाया था, कौन सा सूप बनाया था ये मुझे याद नहीं है, पर कोई सा चाइनीज़ सूप था और उसके बारे में मैंने आपको वो गाइडलाइन दी थी जो कि आम तौर पर, बल्कि नहीं ख़ास तौर से, बहुत ही अच्छे होटल्स में इसके स्टॉक को बनाया जाता है। यानी इसका जो बेस होता है, यखनी जो होती है वो तैयार की जाती है और उसके बाद इससे सूप बनाया जाता है। तो सबसे पहला काम करेंगे भाई, इसकी तैयारी शुरू करेंगे। तैयारी हो चुकी है, इसका पकाना शुरू करेंगे। अच्छा, क्या क्या चीज़ें चाहिए? चीज़ें तो बहुत ही सिंपल होती हैं। तो सबसे पहले इसकी यखनी बना लेंगे। यखनी जो मैंने बनाई है आज, चिकन के पीसेस ले लें, उसमें गोश्त और हड्डी दोनों होने चाहिए। और उसके अलावा इसमें आप सिर्फ अदरक और लहसुन डालेंगे, पानी डालेंगे और इसको पकाने के लिए रख देंगे। और इसका कुकिंग टाइम होगा तकरीबन 1.25 घंटा। और कितने कप आपने सूप बनाना है? देखो, घर में कोई एक प्याली सूप से काम नहीं चलता है। घर में तो भाई 2-3-4 प्याले सूप के बड़े आराम से पी लिए जाते हैं। रेस्टोरेंट में यहाँ पाबंदी होती है कि आपके लिए एक बोल आ जाता है जो वो 4 बंदों के लिए होता है, जो बिल्कुल ही पोछ ले तो फिर 4 बंदों के लिए होता है। तो वहाँ पर होती है पाबंदी, लेकिन घर में ऐसा नहीं होता। घर में आप दिल खोल के खाते और पीते हैं। तो इसकी यखनी बनाने के लिए आपको आधा किलो, मैंने रेसिपी में लिख दिया है, चिकन का गोश्त लेंगे और वो हड्डी भी होनी चाहिए उसमें और गोश्त भी होना चाहिए। यानी ऐसा पोर्शन जिसमें लेग भी ले लें, नेक भी ले लें, विंग्स ले लें, इस किस्म के जो पार्ट्स होते हैं उससे आप चिकन स्टॉक बनाइए। और उसमें 3-4 जब लहसुन के डाल देंगे और जितना लहसुन है उतनी ही अदरक, सिर्फ ऐसे ही मोटा मोटा कूटेंगे डाल देंगे, पानी के साथ डाल देंगे। और इसमें तकरीबन 6-6.5 प्याली पानी डालेंगे और इसको तकरीबन 1.25 घंटे पकाएंगे। जब आप देखें कि इसमें तकरीबन 4-4.5 प्याली, इवन 5 प्याली तक भी रह गया है, तो अब आपका स्टॉक तैयार हो गया। अगर आपको ऐसा लगता है कि पानी इसमें कम रह गया है जितनी रिक्वायरमेंट है आपकी, जैसे सपोज़ 4 प्याले सूप की है तो आपको कम से कम 5 प्याले बनाने होंगे, वो मैं घर के हिसाब से बता रही हूँ। तो फिर आपके पास यखनी उसी हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है? अगर आपको लगता है कि पानी कुछ कम रह गया है तो फिर उसे पानी ऐड करें और थोड़ी देर उसको और पकाएं, ताकि आपका स्टॉक जो है वो बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ का हो। स्टॉक अच्छा होगा तो सूप अच्छा होगा, अगर स्टॉक अच्छा नहीं है तो सूप कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। दिल चाहता है कि कभी सूप के ऊपर क्लास की जाए, सूप्स एंड सॉसेस पे। तो ये इतनी वास्ट क्लास होती है कि आप हैरान रह जाएंगे। कुकिंग क्लासें ऐसे नहीं होती कि आप रेसिपी साइड में रखें और उसमें से देख देख के एक डिश पकाना सिखा दें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा तो इतना दिल चाहता है, इस प्रोफेशन में मेरा इतना इंटरेस्ट है, आप सभी लोग जानते हैं कि जाहिर है कि मैंने इसमें पढ़ाया है, तो मैं 2 घंटे भी लगातार अल्हम्दुलिल्लाह बात कर सकती हूँ उसके ऊपर। तो अभी तो हम सिर्फ चाइनीज़ सूप बना रहे हैं और ये थिक सूप है, क्लियर सूप नहीं है, थिक सूप है।
तो इसकी बात इतनी ही रखेंगे जो कि आज चीज़ बन रही है। अच्छा जी चलिए अब इसकी मैं कुकिंग शुरू कर देती हूँ। जो सूप मैं बना रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल चाइनीज चिकन कॉर्न सूप, ये पूरा इस सूप का नाम है। अच्छा जी बहुत ही ज़रा सा कुकिंग ऑयल, इसको ज़रा अभी कूल करेंगे क्योंकि टेम्परेचर इसका ज़्यादा है, थोड़ा सा कम हो जाए तो उसके बाद मैं इसमें गार्लिक ऐड करूँगी। अच्छा इसके अलावा इसमें मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, लहसुन है और इसमें मैंने कॉर्न का इस्तेमाल किया क्रीम स्टाइल कॉर्न का, तो उसमें क्या होता है कि उसमें कॉर्न जो है क्रश्ड भी होते हैं और थोड़े से साबुत भी होते हैं, तो क्रीम स्टाइल कॉर्न को मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अलावा वाइट पेपर है, बहुत ही ज़रा सा चिकन पाउडर को यूज़ करूँगी मैं, हालांकि आप लोग जानते हैं कि मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ चिकन पाउडर का इस्तेमाल, लेकिन क्योंकि रेस्टोरेंट स्टाइल बना रही हूँ तो इस वजह से मैं उसमें ज़रा सा चिकन पाउडर का इस्तेमाल करूँगी। अच्छा इसके अलावा कॉर्नफ्लावर है उसको थिकन करने के लिए, और अंडे, अंडों का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको मैं बताऊँगी कि मैंने बहुत जल्दी आप लोगों को सिखाया है और आज भी हम उसी तरह से करेंगे। चलो जी कुछ भी नहीं करेंगे, इसको ज़रा कूल डाउन करेंगे और आप सभी से होगी मुलाकात इस ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में, और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल चाइनीज चिकन कॉर्न सूप, और नेवर बोरिंग सूप है ये, और इसके अलावा आप सभी लोग सीख रहे हैं चिकन चाउमीन। अच्छा जी यहाँ पर अब सूप की तैयारी, सूप की कुकिंग शुरू कर देते हैं। तेल हमारा जितना हमें ठंडा चाहिए था ये हो चुका है, तो मैं अब इसमें ये चॉप किया हुआ थोड़ा सा लहसुन डालूंगी। आपकी रेसिपी में सारे रेशोज जो हैं वो दिए हुए हैं तो उससे आप ले सकते हैं, वैसे 2-3 जवे बहुत काफ़ी होते हैं। और कॉलेज ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शेफ राहत कैसी है? शेफ राहत बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। कौन बात कर रही है? जी मैं सूफिया बात कर रही हूँ। हाँ सूफिया कैसी हो? हाँ सूफिया कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और आपकी रेसिपी माशाल्लाह आज तो बहुत ही अच्छी है, इंशाल्लाह ताला ये भी हम लोग बनाते हैं और बन तो जाती है। बस वही मैंने आपसे कहा ना, बस अपने अपने हाथ का वो होता है। हाँ बिल्कुल ये बात सही है, बिल्कुल इतना अच्छा सिखाती है, इतना अच्छा कि जहन में बैठ जाता है। बिल्कुल सही। और ये कि अब मेरी फरमाइश है आप मुझे हरी मिर्च कीमा जो होता है वो सिखाएं। अच्छा ठीक है इंशाल्लाह सिखाती हूँ जी। और आज जी, और वो भी मैंने जी, और मैं वो भी मैंने आपसे कहना था आपके जितना माशाल्लाह आप तो मेरी नॉर्मल हो गई है शुगर माशाल्लाह आपने जो मुझे बताया। अच्छा माशाल्लाह जी, भिंडी भी पी मैंने और आपने जो जी माशाल्लाह काफी हद तक 92 तक आ गई। इतनी अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह इतना है जितनी 175-176 इस तरह थी माशाल्लाह आपके बताए हुए उस पे अमल करती हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, तो बस मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ही ज्यादा तरक्की दे, और दुआओं में आप याद रखें आपकी हर बनाई हुई चीज बहुत अच्छी होती है। बना तो लेते हैं लेकिन आपका जाए, आपके हाथ का जायका और होता है हमारा। नहीं देखो हर एक के हाथ का जायका अलग होता है, सिर्फ मेरा नहीं, आप बनाएंगी अलग होगा, आपकी बहन बनाएगी अलग होगा, कोई और बनाएगा अलग होगा, हर एक का अलग होता है। जी 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 जी, बस आप मुझे वो हरी मिर्च कीमा जरूर सिखाएगा। आप तो पाए का भी सीजन है तो वो भी पाए दोबारा बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल बना लेते हैं। अभी सिखाए थे ना शायद मैंने, अरे हाँ मैंने वो सिखाए तो थे बंस रोड स्टाइल और लाहौरी फज्जा स्टाइल पाए। अच्छा अच्छा जी, आप जी जी आपने सिखाए थे ना, मैं कल लाहौर गई हुई थी सरगोधा। अच्छा अच्छा आपने मेरे, जी हाँ मैं सरगोधा गई हुई थी लाहौर जी। अच्छा ओके चलो कोई बात नहीं है, मैं फिर सिखा दूंगी जी। बस जी ठीक है, तो आपको वही लाहौरी स्टाइल चाहिए फज्जा या आपके राहत स्टाइल चाहिए? अच्छा कॉल नहीं है तो अच्छा, ये कॉर्नफ्लावर मैंने जब तक इसमें उबाल आता रहेगा चीज़ें मैं डालती हूँ। अच्छा ये मेरे पास है स्वीट कॉर्न, और ये स्वीट कॉर्न देख लें इसमें साबुत भी हैं, ये कैन में आते हैं भाई, साबुत भी हैं और क्रश किए हुए भी हैं जो बिल्कुल पेस्ट की तरह बना दिए वो भी हैं। तो अगर आपने 4-4.5 प्याली स्टॉक लिया है तो तकरीबन आधी प्याली हम इसमें ये स्वीट कॉर्न, सॉरी ये क्रीम स्टाइल कॉर्न जो है ये डाल देंगे। अच्छा ये आ गया है,
इसके अलावा मैं इसमें चिकन पाउडर को यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, बाज़ार में अजीनोमोटो का इस्तेमाल करते हैं, यानी MSG जो है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, उसे इस्तेमाल करते हैं। उसको इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं अगर आप चिकन पाउडर को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि चिकन पाउडर में ऑलरेडी एडेड होता है, उसके बिना चिकन पाउडर नहीं है, उसमें MSG एडेड है। तो ये आ गया है तकरीबन ये 2 चाय के चमचे, तो आपको अलहदा से डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं और ना डाला करें। अगर मैं चिकन पाउडर ना यूज़ कर रही होती तो मैं तब भी उसको इस्तेमाल ना करती, तो क्योंकि मैं रेस्टोरेंट स्टाइल सिखा रही हूँ तो इस वजह से मैंने इसमें इसको शामिल कर दिया। अच्छा, बहुत ही थोड़ी सी जाएगी इसमें वाइट पेपर, और वाइट पेपर डालिएगा ब्लैक में। हाँ जी, कौन है बात करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, इतनी है बस, 1/4 टीस्पून, इससे ज़्यादा नहीं, आधा टीस्पून, इससे ज़्यादा ना डालिएगा। वाइट पेपर को इतनी अच्छी पेपर इसलिए नहीं होती कि इसका में ना टेस्ट है और ना ही इसकी खुशबू अच्छी है, बस ये है कि क्योंकि थोड़ा सा फ्लेवर इससे बनता है तो इस वजह से इसको ऐड किया जाता है, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कहाँ गई? अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई है। इसको मैं उबालने के लिए रख देती हूँ और इसको मैं साइड पे कर देती हूँ ताकि रश कम हो जाए भाई हमारे पास से। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है चिकन चाउमीन की। चिकन भी रखा है हमारे पास लेकिन उसको बाद में भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। क्या बात है भाई, फ्लेम नहीं है? चेक करें ज़रा, फ्लेम नहीं है इसमें, इतना कभी हो जाता है ऐसा? इधर तो फ्लो बिल्कुल सही आ रहा था, मैं चेक करूं ज़रा। हाँ जी, कॉल है बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? जी, मैं फरजाना बात कर रही हूँ पिशावर से। हाँ फरजाना, बोलो क्या कहोगी? मैं आपकी रेगुलर कॉलर हूँ और आपको हमेशा कॉल करती हूँ। ओके। पहले मैं लाहौर में थी, अब मैं पिशावर आ गई हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ जी, और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, आपके बनाए हुए सारे खाने बहुत मजे के होते हैं, और खास तौर पे अब्बा का स्पेशल पुलाव मैंने लाया था और बहुत मजे का बना। ओके, अब्बा की रेसिपी वाकई बहुत शानदार थी, इसमें कोई शक नहीं है। और हाँ जी, हाँ बोलो। और राहत, मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। हाँ करो ना, बोलो। प्लीज हमें ना वो मोतीचूर के लड्डू बनाना सिखा दी। लड़के की मुझे पैदाइश की इत्तला दे दो, बस मैं मोतीचूर के लड्डू बनाती हूँ। बात आई समझ में? लड़के की पैदाइश में लोग मोतीचूर के लड्डू बांटते हैं भाई, लड़का पैदा हुआ है लड्डू बांट रहे हैं, ये होता है। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा जी, यहाँ पर आ गया ब्रेक का टाइम और आप सभी से मुलाकात होती है इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में, और आज आप मेरे प्रोग्राम में सीख रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल चाइनीज चिकन कॉर्न सूप और उसके अलावा है चिकन चाउमीन। अच्छा, यहाँ पर मैं अब इसमें शामिल करूँगी थोड़ी सी शुगर सूप में, तकरीबन 1.5 चाय के चमचे के बराबर चीनी डाल दीजिए, और नमक वमक हम नहीं डालेंगे क्योंकि ये सर्विंग टाइम पर ही सब कुछ ऐड किया जाता है। इसमें नमक जो है वो गेस्ट ने अपने हिसाब से डालना है, गेस्ट ने या जिसको भी आप सर्व कर रहे हैं उसके लिए। अच्छा जी, इसको मैं अभी पकने देती हूँ ज़रा, क्योंकि इसको अभी बस ये फिनिशिंग टचेस में आ गया है, तो इसको हम अभी फिनिश करना है कि किस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। अच्छा जी, बहुत ही थोड़ा सा कुकिंग ऑयल चाउमीन के लिए, अब चाउमीन का काम हो रहा है भाई। ओह, यहाँ पर है चिकन मेरे पास, और इसको रेसिपी को फॉलो करेंगे, मेरे पास हर चीज़ की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, और चॉप्ड गार्लिक, अगर इस तरह से चिपकता है तो उसको सेटल होने दें, सेटल नहीं हुआ है अभी, सेटल होगा खुद ही छोड़ देगा उसको, और उसके बाद इसकी
इसको हम स्टर कर सकते हैं, हम इसको चला सकते हैं। और एक खराबी ये भी होती है कि भाई बर्तन भी ज़रा ऐसा होता है, उसकी वजह से भी चिपक जाता है। हमारी कढ़ाई थोड़ी सी इस किस्म की है तो जिसने चिपका दिया है इसको, अदरवाइज ये चिपकता नहीं। चिकन का मैंने ब्रेस्ट इसमें लिया हुआ है और उसको आपने जूलियन कट कर देना है। अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे, चिकन में कच्चापन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अच्छा जी, इसी स्टेज पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ थोड़ी सी ब्लैक पेपर। अच्छा, मैंने वाइट पेपर देखी लेकिन मैं ब्लैक भी डाल रही हूँ थोड़ी सी। आप लोग दोनों पेपर जो उनका कॉम्बिनेशन डाल सकते हैं, वाइट पेपर भी थोड़ी सी डाल रही हूँ, बहुत ही ज़रा ज़रा सी। और कॉल अजी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सफ़े पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया जी। क्या हाल है तुम्हारे? चिपक गया यार। बिल्कुल खैरियत से, काफी रिकवरी। आवाज मुझे कम आ रही है यार, आज सबकी मुझे आवाज कम आ रही है। आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत हूँ बिल्कुल। तो राहत पुलाव तो बड़े मजे का था, अब्बा की रेसिपी। अच्छा, सब घर मेरे अब्बा हिट हो गए भाई, मेरे अब्बा हिट हो गए। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं भी बहुत दी हमने कि अल्लाह ताला उनकी आंखें अच्छी करे, आपकी वालदा समेत। आमीन या रब्बल आलमीन। माशाल्लाह, मेरे बच्चों को तो बहुत ही अच्छा लगा, मेरे मियाँ को भी बहुत अच्छा लगा। बहुत खुशबू वाला था, बड़ा जबरदस्त था। और चौमिन अभी मैंने आपकी जो रेसिपी एक मेरे पास पड़ी है उससे मैंने बनाया था लास्ट टाइम। अब ये वाला भी इंशाल्लाह ट्राई करेंगे इंशाल्लाह दोबारा, ठीक है। तो इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। अच्छा, आपने देखा स्पाइसेस खाने में भी तो रेस्टोरेंट डायरी था वो भी बिल्कुल। अच्छा, और अच्छा मैं वो जो आपकी सारी मैंने बिरयानी आपकी बना ली, और वो जो हैदराबादी बिरयानी थी वो तो इतनी सुपर बनती है, और हर बिरयानी की हर दफा फरमाइश होती है। देखो शायद इस हफ्ते में, इस हफ्ते में क्योंकि बिरयानी रेसिपीज है आपकी, मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा, इस हफ्ते भी मेरा ख्याल है कोई ना कोई बिरयानी है, क्योंकि हमारी अंदरूनी फरमाइश है। वो कहते हैं भाई हफ्ते में बिरयानी जरूर बना। प्रॉन बिरयानी की तो क्या ही बात है कि मैं किस चीज बिरयानी की तारीफ करूँ। प्रॉन बिरयानी इतनी दफा बन चुकी है, हर बिरयानी की मतलब फरमाइश होती है, ठीक है। और वो बनती है और बच्चे बहुत खुश होते हैं जब बिरयानी बनती है। बिरयानी सभी जरूर बनती है। अच्छा, मेरे घर में तो रेसिपी सारी आप ही की बनती है ना, चाहे वो दाल हो सब्जी, क्योंकि पूरा हफ्ता हमने ऐसे बना लिया, दाल सब्जी चावल चाइनीज, तो अल्हम्दुलिल्लाह मजा आते हैं, एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो शायद इस हफ्ते में भी कि है बिरयानी, मैं चेक कर देती हूँ कि कौन से दिन में है, ये अभी मुझे नहीं पता, लेकिन शायद है बिरयानी, क्योंकि अंदरूनी फरमाइश है। मैंने पिछले हफ्ते नहीं बनाए थे, सब नाराज हो गए कि भाई रहा बिरयानी। मैंने सारी फरमाइशें माशाल्लाह पूरी कर दी, बिहारी कबाब की, गोला कबाब सारी। बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। अभी मैंने सीख कबाब को बच्चों के लिए वीक के लिए मैंने मैरिनेट करके रखा है। अच्छा, वो इंशाल्लाह बनेगा, ठीक है। सारी रेसिपीज आप ही बनती है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत इंजॉय करते हैं, हमारे तो मजे आ गए। अरे बिल्कुल, हमारे घर में रेस्टोरेंट खुल गया राहत रेस्टोरेंट। अरे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं सिखाती हूँ कि घर में खाएं भाई, साफ सुथरा है, पता है घर वाले ने बनाया है, जिसने पकाया उसने डेफिनेटली मोहब्बत से पकाया। बेकिंग तो आप ही की होती है मेरे घर में, ऐसी जबरदस्त ब्रेड व्रेड सारी चीजें माशाल्लाह, बंस वगैरह वो तो आप ही के, मतलब अभी फिर सिखाऊंगी मैं, सब चीजें बना चुकी, बस हर दफा कॉल करते हैं भूल जाती हूँ बताना। अच्छा अच्छा, तो मैं इंशाल्लाह दूसरी ब्रेड सिखाऊंगी अब आपको, दिल आपका खुश हो जाएगा। कि फिर तो मेरी कोशिश ये है कि कोशिश करेंगे बाजार से ना ले, इसलिए कि बहुत सारी चीजें ऐसी डाली जाती है। हमें ये जो खाने आप मसाले बताती हैं खाने में डालते हैं, इससे हमें सेहत मिल रही है, हमने फील ये किया। एग्जैक्टली, काफी मतलब अच्छा। और जो टोटके आप बताती हैं वो तो मैं सारे करती हूँ, वो हिबिस्किस का जो आपने बताया था वो तो मैंने उसी वक्त कर लिया था, और आप यकीन करें मुझे किस चीज का, इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम थी वो तो एक दो दफा उसका कहवा बनाने से वो तो मुझे आराम आ गया। अच्छा अच्छा, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और जज़ाकअल्लाह खैर सारी चीजों के लिए। और वही है कि अल्लाह आपको अपने माँ बाप के लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए, और ये जो काम आप कर रही हैं इसको भी आपके लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए या रब्बुल आलमीन। लोग जब खाएंगे सेहतमंद खाना आपको दुआएं देंगे, आपको मिलेगा इंशाल्लाह। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अच्छा, मेरी कढ़ाई आज धोखा दे रही है, ये चिपक रही है ना इसके अंदर, क्योंकि ये जैसे मैंने आप लोगों को कहा है ना, बर्तन खरीदते हुए ध्यान रखें, ये थ्री लेयर नहीं है सिलिकॉन की लेयर, इसमें थ्री लेयर नहीं है, इस वजह से ये चिपक रहा है, क्योंकि ये हीट को ले भी रही है तो वो चिपका रही है। अच्छा जी, अब आ गए हैं इसमें ये चिकन, क्योंकि ये पूरी तरह से पकता नहीं है, अब ये पकेगा भाई। और अब मैं
देखिए सब्जियां मैंने इसमें शामिल की हैं वही जो इस वक्त मौसम की हैं, गाजर है, गोभी है, शिमला मिर्च है, हरी प्याज है, चार सब्जियां हैं इसके अंदर, ये आ गई हैं। और अब मैं इसमें इसके सॉसेस डाल रही हूँ भाई। इसमें आ गया है सोया सॉस, चार चाय के चमचे, जो आपकी क्वांटिटी है उसके हिसाब से बता रही हूँ। ज़रा सी शुगर डालूँगी भाई मैं इसमें, और जी चिकन पाउडर आधा चाय का चमचा, ये आ गया। और पेपर्स मैं इसमें शामिल, चिकन में मैंने डाल दी थी बकिया चीज़ें इसमें। क्या है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट ऐसे कि बस आपका दिल खुश हो जाएगा, हाय आज तो यही खाना पके। फिर कहेंगे कल अरे यार कुछ भी नहीं था उसमें, चलो कल भी यही बना लेते हैं। और नॉन बोरिंग सेसमी ऑयल, थोड़ा सा सेसमी ऑयल है, देखें कितना सा है। अच्छा ये सेसमी ऑयल यूजुअली पकाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, ये से ड्रिजल करने के लिए होता है। जैसे हम चाहें कि हम डाल दें दो तीन टेबल स्पून इसके अंदर और इसमें कुकिंग कर लें, तो ऐसा ना कीजिएगा, फिर आपके खाने में कड़वाहट आ जाएगी और सेसमी ऑयल की ओवर पावरिंग आ जाएगी। थोड़ा सा मैं इसमें स्टॉक ऐड करूँगी, और जी अब इसमें जाएंगे ये नूडल्स, एग नूडल्स हैं। ज़रा चीज़ें हटाऊँ मैं, जगह बनाऊँ। कौन जी बात करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? अफशा कराची से बात कर रही थी। हाँ अफशा बोलो, क्या कहोगी? कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप रेस्टोरेंट के मजे करा दिए शेफ राहत। बिल्कुल रेस्टोरेंट का मजा ही आएगा आपको, और सारा मेथड वो देखिए आपने ये देखा करें मैं काम कैसे कर रही हूँ, तो यकीनन आपका होता है असल में, तो आपके खाने में कोई खराबी इंशाल्लाह लजीज नहीं आएगी। ठीक है शेफ राहत, हाँ। सूप के नाम बताओ आपको? सूप के नाम बताओ, अरे सब क्या देखा, सूप का नाम ही नहीं बताया। चिकन कॉर्न सूप, चिकन कॉर्न सूप और चिकन सूप, सिंपल चिकन सूप, ठीक है, वेजिटेबल सूप, वेजिटेबल सूप और क्या है भाई? चिकन सूप मिक्स। फिर से बोलो, फिर से बोलो, नहीं समझ में आया मुझे तुमने क्या बोला, बोलो ना। अच्छा शेफ, हाँ आपसे एक मसला पूछना था। पूछो ना। भांजे को रात को नींद नहीं आती, दिन में आती है, पता नहीं क्या मसला है, पूरी रात नींद नहीं आती, दिन में आती है। उम्र क्या है उसकी, एज क्या है? उम्र 8 साल है। 8 साल का बच्चा है, तो वो दिन में सो जाता होगा, दिन में सोता है ना? नहीं शिफ्ट पैर की है। कितनी देर सोता है ये? 4-5 घंटे दिन में सोता है, तो रात को पूरी जागता है वो। तो कैसे सोएगा जब दिन में सारी नींद उसने पूरी कर दी, तो नहीं सोएगा वो रात को? अच्छा, उसको तो दिन में सोना बताएंगे, उसको रात को नींद है, कुछ वजह बता दीजिए। मैं बता रही हूँ ना सिंपल इलाज है, उसको दिन में आधे घंटे सुलाओ, इससे ज्यादा ना सुलाओ। अच्छा, स्कूल तो जाता होगा ना, वगैरह ऐसी नहीं है। सेहत के लिए वजह वगैरह, सेहत भी इतनी, सब कुछ खिलाओ जो घर में पकता है वो खाए, बाजार का ना खिलाएं, कम से कम कर दें बाजार का, और वो खिलाएं जो घर में पकता है। ठीक है, तो बच्चा बिल्कुल सही रहेगा, और बच्चे को सोने की आदत है, वो तो सुस्त हो जाएगा, सुस्त और काहिल इतनी सी उम्र में, उसका दिन में सोना बंद करो, दिन में सिर्फ आधे घंटे सोएगा, और उसके बाद फिर आप उसको देखें फिर रात को कैसे नहीं सोता। आप जरा दिन में 2 घंटे सो के देख ले रात को, अगर नींद आ जाए आपकी। मैं अगर सो गई तो मैं तो पूरी रात जागती रहूँगी, मेरे लिए तो सोने का टाइम वैसे ही बहुत कम होता है ज़िंदगी में, कभी अगर कुछ मौका मिल गया मुझे दिन में सोने का, नमक तो दिन में सोने का, तो मैं तो भाई रात भर जागूंगी, क्योंकि हर एक शख्स की नींद का एक हर शख्स की नींद एक जैसी नहीं है, कोई 8 घंटे सोने के बावजूद भी सुस्त रहता है, और कोई 2 घंटे सोने के बाद बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। तो हर एक का तरीका जो है अल्लाह ताला ने उसकी फितरत के मुताबिक उसको बनाया है, तो हर फर्द अपने हिसाब से सोता है। ये नहीं है कि जी अगर एक बात है कि जी 8 घंटे की नींद लेनी ज़रूरी है, नींद आ रही है नहीं आ रही है, बिस्तर पर पड़े हैं बिला वजह करवटे ले रहे हैं, कभी 8 घंटे पूरे करने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाज़ दफ़ा मेरे साथ होता है भाई 2 घंटे की नींद मुझे ऐसा फ्रेश कर देती है कि बस कुछ ना पूछें, और ऐसा ही होता है मेरे साथ, 2 घंटे की नींद मेरे लिए बहुत काफ़ी होती है। हाँ जी कॉल है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मेरा ख्याल है मेरी आवाज़ नहीं पहुँची उन तक, मेरे पास क्वान्टिटी ज़्यादा है ना, तो इसलिए ज़रा मैं इसको चूल्हा बंद करके मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि अभी इसकी कुकिंग होनी है, थोड़ा सा हम स्टॉक इसमें और ऐड करेंगे। कॉल ड्रॉप हो गई है भाई। अच्छा सा इसको टॉस करेंगे, और हमारा चाउमीन हो गया तैयार। अच्छा आप लोगों को याद होगा पहले जो मैंने चाउमीन सिखाया था वो था क्रिस्पी फ्राइड नूडल्स के साथ, और अब जो मैंने चाउमीन बनाया है वो हम सॉफ्ट नूडल्स के साथ बना रहे हैं, बॉयल नूडल के साथ। तो चाउमीन एक्चुअली जो है जो रियल रेसिपी है,
ये तो आज मुझे सवाल रखना चाहिए था कि चाउमीन कहाँ ईजाद हुआ। मेरा ख्याल है आज का सवाल ये होना चाहिए था, सूप के नाम, ये तो बच्चों वाले सवाल है। कॉल जी बात करेंगे, अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी, आज क्या बात है, कॉल क्यों नहीं रुक रही है, हमारी यहाँ कोई ख़राबी है क्या? अच्छा जी, मैं इसके लिए अब क्या करूँगी, बड़े साइज़ के अगर आपके पास फोर्क्स हैं तो वो ले लीजिए, और उनसे हमने थोड़ा सा ऊपर नीचे बस करना है और हमारा चाउमीन हो गया है डन डना डन। नमक वमक इस स्टेज पे आप चख लीजिए, क्योंकि फिर उसमें नूडल में ज़रा मिक्स होना मुश्किल होता है। अच्छा, बॉयल करने के दौरान में अगर आप डालते हैं तो वो क्या होता है, पानी आप ड्रेन करते हैं, नमक निकल जाता है, और फिर उसके बाद ठंडे पानी से भी गुजारते हैं, तो उस वक्त नमक डालने का बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है, नमक आपका ज़ाया हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ मैंने इसको हीट थ्रू करना है। और कॉल है जी बात करेंगे, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या लाइट चली गई क्या? ओए होए, लाइट चली गई, क्या करें भाई, लाइट चली गई है। चलो भाई, हमारा चाउमीन तैयार हुआ, सिर्फ हीट थ्रू करना है, अच्छा सा मिक्स करना है, और ये है डन डना डन। और इसको जब हम सर्व करेंगे तो आप देखिएगा कि मैं किस तरह से इसको सर्व कर रही हूँ, सिर्फ हीट लगानी है चिकन, क्योंकि अच्छा इसमें जब हीट आ जाएगी अच्छी तो थोड़ा सा चिकन इसका। चलें जी, मैं इसको सिर्फ मिक्स कर रही हूँ और आप सभी से मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं बहुत ही आला कुजीन, और ये चाइनीज़ कुजीन है, और जनाब यहाँ पर आप सभी सीख रहे हैं चिकन चाउमीन। और इसके अलावा आप सीख रहे हैं चिकन कॉर्न सूप, अभी हमने उसको फिनिश नहीं किया, फटाफट करेंगे भाई। यहाँ पर आप नूडल्स देखें, साथ में मैंने प्रॉन क्रैकर्स दिए हैं, ये आप देख लें। और जी इसको हम सर्व करेंगे लेमन के साथ। नूडल्स पे कभी आप लेमन डाल के खा के देखें, आपकी तबीयत ऐसी खुश होगी कि आप कहेंगे वाह राहत, क्या आला चीज़ आपने बताई हमें। ठीक है जी, अच्छा ये नूडल्स मैंने निकाल दिए हैं, अभी अगर ज़रूरत हुई तो मैं निकाल ही लूँ। अच्छा यहाँ पर मैं इसको ऑन कर लेती हूँ भाई, और कॉल जी बात करेंगे, अस्सलाम वालेकुम। ये जो ऊपर आ गया इसको सारे को हटा दें। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? ये हमने कॉर्न डाला था ना उसकी वजह से। मैं शाजिया बोल रही हूँ। हाँ शाजिया, तुम्हारा टीवी का वॉल्यूम खुला है, कैसे बात होगी भाई, फटाफट बताओ। हाँ जल्दी से बताओ। हाँ जी। कैसे बात होगी? हाँ सूप का नाम चिकन हॉट एंड सॉल्ट। हाँ और चिकन कॉर्न सूप। ठीक है। और चिकन एग सूप। चिकन एग सूप, वेजिटेबल। चलो ठीक है, तुम्हारा जवाब नोट कर लिया है। ठीक है, कॉल ड्रॉप हो गई है भाई। और ये अच्छा जी, बाज़ लोग ऐसा समझते हैं कि नूडल्स जो हैं वो मेन डिश नहीं है, उसको एज अ साइड डिश लेते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये मेन डिश है आपकी, और आपने इसको एज अ मेन डिश ही सर्व करना है। पहले तो मैं ये चीज़ें यहाँ पे लगा लूँ, और उसके बाद फिर आ जाते हैं हम अपने चिकन कॉर्न सूप पर। लेमन, ठीक है जी ये आ गया। अच्छा इसके अलावा अब है कॉर्न सूप की बारी, और इसमें हमने डालने हैं ओंडे। अच्छा आपकी मर्जी है, आप इसमें फुल एग भी डाल सकते हैं, आप सिर्फ एग वाइट भी, मैंने एग वाइट लिखा हुआ बट मैं फुल एग डाल रही हूँ इसमें, और फुल एग के साथ ही आप इस सूप को बना सकते हैं। इस ब्लेंड करेंगे लाइटली। अच्छा मेरे पास यहाँ पर जो स्लरी मैंने बनाई हुई है, स्लरी एक्चुअली हाथ से होती है, चमचों वमचों से नहीं होती है, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। ये प्रोफेशनल तरीका है जो मैं कर रही हूँ, इसको हाथ से देखें कैसे जल्दी से हो गई, क्योंकि ये जाके एकदम से सेटल हो जाता है। और साथ में मुझे भाई टिश्यू भी रखना है भाग के, क्योंकि मुझे ड्राई करना है। चलें जी ये आ गया, ये स्लरी मैं इसमें डाल दूंगी, और इसको अब हम स्टर करेंगे।
अच्छे से थिकनिंग आ जाएगी इसमें, आ गई देखें, लेकिन अभी पक्का नहीं है, पकने की कंडीशन अभी इसकी आ जाएगी। अच्छा, इसको पकाने में आपने देखा हमने कॉर्न इस्तेमाल किया था, तो उसका कॉर्न का थोड़ा मैल आ गया था, ये हटाना ज़रूरी है। अगर नहीं हटाएंगे तो फिर आपके सूप पे खूबसूरती नहीं आएगी, और ख़ूबसूरती का आना बहुत ज़रूरी है भाई। अच्छा जी, इसको गाढ़ा होने देते, कॉल अजी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओ, आज क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है हमारी यहाँ? देखो भाई जवाब नहीं दे रहे मुझे। अच्छा जी, थोड़ी सी हमें स्प्रिंग अनियन चाहिए। चलिए जी, बहुत ही बेहतरीन इस पर थिकनेस आ गई, जो बिल्कुल रेस्टोरेंट में होती है। अभी नहीं, अभी स्टेज नहीं आई है, इसको पकाना है। अभी इसकी पकाने की स्टेज मैं आपको बताऊंगी। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा चिकन। कौन है जी बात करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? राहत। राहत हैं। अरे, और लाहौर लाहौर है। क्या हाल है तुम्हारे? जी बेवन। अरे, चांदों पे चांद, राहत चांद। अरे यार, चार चांद तो वैसे यहाँ लग रहे होते हैं ईमान से, और सच्ची मुच्ची के चार चांद होते हैं। हाँ, हम तो देख नहीं सकते आजकल, लाइट ही नहीं होती। अरे क्यों, रास्ता मुनकत है। ओ, बस कब से नहीं देखा ये स्टेज आगे देखे। हाँ, ये होता कि बस देखते लबे बाम रह गए। आई है भाई, अफसोस हो रहा है इस बात का, इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज है। अच्छा सुनो, तो तुम उसको फेसबुक पे या यूट्यूब पे नहीं देखती हो? नहीं, वो बस आपको पता है मसला है, कुछ टाइम नहीं मिलता, और फिर अच्छा। जो लाइफ का मजा है उसमें तो आप, ये तो ये तो बात है, लगता है आपसे डायरेक्ट बातें कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ये बात तो है। खैर, अलग ही मजा है ना उसका, तो बहुत एंजॉय फील करते हैं। बिल्कुल, और इस टाइम को हम मतलब यूटिलाइज भी आपके साथ करते हैं कि बस ये टाइम अब राहत का है। अरे बहुत अच्छा लगता है भाई। हाँ, और तुम लोग खुश रहो, आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, और इसी तरह हमें खुश करते रहे, हम आपको इस तरह वो करते रहे, अप्रिशिएट। अरे बहुत अच्छा लगता है भाई, अच्छे प्रोग्राम देखते रहे, कुकिंग सीखते रहे। राहत मुझे ये बताइए काइंडली, के ये हरा लहसुन होता है, इसको कैसे प्रिजर्व मतलब सेव कर सकते हैं? कुछ भी नहीं, इसको ताजा खाओ, और सीजन पर ही, हाँ इसको सीजन पर ही खाओ, ताजा ही खाओ, ताजा ही खाओ, ठीक है ना? इसको रखोगी, रख नहीं पाओगी, पहली बात तो रह नहीं सकता। और अगर मैं ये कहूँ कि जी फ्रीज कर दो, तो हर चीज़ थोड़ी फ्रीज हो सकती है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उसको बिल्कुल फ्रीज नहीं करना, और उसको तुमने बस क्या करना है, जब आया उसी दिन या उसके अगले दिन, मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, आप मैं ज़रा सा बता दूँ सूप के बारे में। सूप में आपने देखा मैंने अंडा डाला, मैंने चूल्हे को बंद कर दिया, जले हुए चूल्हे में हम अंडा नहीं डालेंगे, क्योंकि उसमें इतनी हीट है कि उसने अंडे को पका दिया है। अच्छा, इसके अलावा मैंने डाला आखिर में सेसमी ऑयल, चिकन आपके सामने डाल दिया था मैंने, ये देखें, ये जो लम्ब्स है ना, असल चीज़ इस सूप की और सूप में मज़ा देने की वो ये है। अब आपको सड़कों पे भी मिल जाता है, वो क्या करते हैं, वो तो इतना चलाते हैं कि उसकी शक्ल बिगाड़ के रख देते हैं, अब उसमें थ्रेड्स बन जाते हैं। थ्रेड नहीं बनना चाहिए, लम्प आना चाहिए उसमें ना, अंडे का लम्प आना चाहिए। ये देखें कितना लम्पी है और बेहतरीन है। मैंने फुल एग को यूज़ किया, आप बिल्कुल फुल एग यूज़ कर सकते हैं, वरना फिर आप क्या करेंगे उसको, आपके पास योक जो बचेगी बिलावजह ज़ाया होगी। हाँ, एग फ्राइड राइस अगर उस वक्त आप बना रहे हैं तो बिल्कुल उसे यूज़ कर सकते हैं, फिर आप सिर्फ वाइट को ही इस्तेमाल करें, लेकिन फुल एग यूज़ करें ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, इसके सारे कॉन्डिमेंट्स मैं दे रही हूँ, साथ में इसके हैं विनीगर है जिसमें हमने हरी मिर्चें डाली हुई हैं, उसको आप बना कर रख लें, अच्छा खासा बनाएं और उसको रख लीजिए, और उसके बाद अच्छा हरी प्याज के पत्ते से हम इसको गार्निश करेंगे, बहुत ही थोड़ा सा, बिल्कुल ज़रा ज़रा सा, ठीक है जी? ये आ गया, कौन है जी बात करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? हेलो, तैयबा बोल रही हूँ। अरे तैयबा, आज आवाज नहीं पहचान में आ रही, क्यों? हाँ, ये आवाज आपकी बहुत कम आ रही है। हाँ, आज हमारी है, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ कमी है, कोई खराबी है। तो मैंने वो बताना था कि मौलगटानी सूप तो किसी ने बताया ही नहीं भाई, बटेरे का सूप नहीं बताया किसी ने। हाँ, वो मैंने बताया था ना।
हाँ जी वो आपने बताया, हाँ, मैंने कहा जो कॉलर्स आए उन्होंने मॉल गटानी सूप का किसी ने बताया जो इतना अच्छा बना था मेरा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन सूप है वो, बहुत आपका पूरा खाना हो जाता है उसमें, बहुत जबरदस्त वो आपकी रेसिपी थी। और फिर वो बटेरे का सूप कितना अच्छा था, यखनी जो बनी थी बटेरे की, बहुत ही आला। और बताओ तैयबा। बस अल्लाह का शुक्र है, आज की रेसिपी बहुत अच्छी लग रही है मुझे, स्पेशली जो चाउमीन है, हाँ, ये मेरे बच्चों का बहुत फेवरेट है और मुझे आपकी हमेशा ये जो है रेसिपी बहुत अच्छी लगती है। मेरी एक ये रिक्वेस्ट थी, हाँ, कि जो इतनी अच्छी आपकी वेजिटेबल्स कटी होती हैं, किसी दिन हमें वेजिटेबल्स काटना भी सिखाइए। मैं एक एक करके सिखा दूंगी क्योंकि प्रोग्राम का टाइम जो है ना वो आ जाता है ऐसा कि मैं फंस जाती हूँ वहाँ पे जी, तो मैं एक एक करके सिखा देती हूँ। ठीक है, बिल्कुल वो आप जरूर हमें सिखाइएगा। और दूसरा मुझे ये पूछना था आपसे कि ये जो PCOS की जो प्रॉब्लम्स हैं आजकल बच्चों को बच्चियों को, तो इसका भी अगर आपके पास कोई टोटका हो कोई इलाज हो तो हमें जरूर हमसे शेयर कीजिएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा PCO समझ नहीं आया फिर से बोलो। PCOS। अच्छा 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 ठीक है, इंशाल्लाह बता दूंगी। तो अभी मैं जरूर हमसे शेयर कीजिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और दूसरा मैं ये चाह रही थी कि जब आप ये बनाए केक तो उसमें जो है वो दोबारा से जो है ना क्रीम केक जो है ब्लैक फॉरेस्ट केक मुझे बहुत, मैं ब्लैक फॉरेस्ट सिखा दूंगी, ब्लैक फॉरेस्ट सिखा दूंगा। अभी तो आप लोग लेमिंगटन सीखेंगे इस वीक में, आप लेमिंगटन सीखेंगे ब्लैक फॉरेस्ट केक की, मैं ब्लैक फॉरेस्ट सिखा दूंगी आपको जी। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया, जजाकअल्लाह, बहुत मजे की रेसिपीज हैं आपकी सारी। और ये आज की तो रेसिपी मैं इंशाल्लाह चाउमीन की तो आज ही हो जाएगी, बिल्कुल है मेरा कि मैं इसको आज ही बना लूं। ठीक है तैयबा, मैंने बहुत शुक्रिया, जजाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा, मैंने आपको यहाँ अपना सूप असेंबल करना सिखा रही हूँ मैं आपको, कि जब आप सूप पियेंगे, जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, कौन सूप आपके पास ऐसे ही आता है तो आप उसको खुद बनाते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, उसमें नमक मिर्च और खटास को ऐड करते हैं। तो मैंने इसमें सिरका है हमारे पास जो कि मैंने बना के रखा, और इसमें सिर्फ हरी मिर्चें काट के डाल दें, सफ़ेद सिरके में हरी मिर्चें डालें, दैट्स इट, हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि ज़रा सी इतनी सी शुगर उसके अंदर डाल दीजिए बस, और कुछ भी नहीं जाएगा। सोया सॉस है वो बॉटल में आता है, चिली सॉस है वो भी बॉटल में आता है, तो वो मैंने इसमें शामिल किए ये तीनों चीज़ें। इसके अलावा सॉल्ट मैंने ऐड किया है, अब ज़रा सी ब्लैक पेपर इसमें डाल रही हूँ, ज़रा सी वाइट पेपर, कोई एक ही पेपर डाल दें जो आपको पसंद हो, उनमें से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप देखें ये मैं अब आपको, तो ये सूप भी देख लीजिए आप, ये मैंने आपके लिए असेंबल किया कि किस तरह से आप अपने लिए सूप बनाएंगे, इन कॉन्डिमेंट्स के साथ आप सूप कैसे तैयार करेंगे। ये सूप है और ये सारी चीज़ें ज़रा मैं हटा दूं, भाई आ जाए इधर, तो वो चीज़ें दिखा दी, अब मेरी तरफ से हट जाएं। और इस सूप पर भी ज़रा सा मैं ग्रीन हमने डाला था और आ गया। ठीक है जी, ये चीज़ें आ गई हैं, तो इस तरह से आप अपना सूप असेंबल करेंगे और इसको इंजॉय करेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई हमारा सूप जो है वो पतला हो जाता है, पतला यूँ हो जाता है कि एक तो आप लोग इसको पका के रख देते हैं। आपको जितना सूप सर्व करना है आप सिर्फ उतना ही बनाएं, सारा सूप ना बनाएं, जब बना के रखेंगे तो कॉर्न स्टार्च जो है वो पतला हो जाता है, इस वजह से भी उसको बना के नहीं रखा जा सकता। और ये प्रॉन क्रैकर है, ये हमारा खाना भी है और हमारा सूप भी है, तो आप जितना दिल चाहे सूप पिए। और इसके अलावा इसमें कॉर्न स्टार्च है, बहुत सारे लोगों को ये होता है कि भाई वज़न बढ़ा हुआ है तो ये तो थिकन सूप है तो इसको पीना जो है वो हेल्थ के लिए कैसा है, तो हेल्थ के लिए ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप इसको पी सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं इसमें। चलें जी, जवाब आज मैंने आपसे सवाल पूछा था कौन से तीन सूप के नाम बताएं, तो बहुत सारे लोगों ने नाम बता दिए, बहुतों ने नहीं बताए, तो जो भी आपने बताया वो बिल्कुल ठीक थे और आप सब लोगों का जवाब दुरुस्त हुआ। आपसे हो रही है मुलाकात अगले प्रोग्राम में, क्या होने वाले बहुत ही आला, बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार, आपका दिल खुश करने वाला, तो आपसे होगी मुलाकात इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।